प्रकाश सिंह बादल के साथ इनका नाता है परिवार का। आप चौटाला गांव के लोग हैं, आपको सब पता है कि एक चीज का, प्रकाश सिंह बादल इन कानूनों के लिए गुणगान गाया करते थे कि भाई कानून बड़े अच्छे हैं। पंजाब के किसानों ने उनका घर घेर लिया और डंडे के जोर के ऊपर प्रकाश सिंह बादल से बीजेपी का 22 साल पुराना नाता तुड़वा दिया। जो प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं वो ट्रैक्टर लेके रैलियां निकालने लगे कि कानून बहुत खराब है, जो कानूनों के गीत गाया करते थे। कि जब प्रकाश सिंह बादल इस बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, उनका तो 22 साल पुराना नाता था, तुम्हारी तो अभी सगाई भी नहीं हुई है। और अगर उस दिन ये लोग उस पार्टी का साथ छोड़ देते, डिप्टी सीएम क्या है, हरियाणा प्रदेश की जनता इनको तो सीएम बना देती, दूसरा देवीलाल दुष्यंत चौटाला को मान लेते। दुष्यंत चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला पिछले 9 महीने से अपने घर के अंदर नजर बंद है, उनके घरों के चारों तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं। अपनी तरीके से तब आप लोगों तो जायज मांग है ये क्यों नहीं पूरी हो सकती, ये पूरी हो सकती है, लेकिन इनकी नीयत खराब है। ये लोग चाहते नहीं है कि यहाँ के लोग हैं वो किसी तरीके से खुशहाल हो जाए, ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से जिए, ये तो चाहते हैं कि ये जो किसान और मजदूर है ये लोग दुखी रहें, और ये दुखी रहेंगे तो तुम्हें आके नमस्ते करेंगे, तुम्हारे मुड्डे इधर से उधर ये रखेंगे और सुबह से हम तुम्हारी हाजिरी भरेंगे। अगर लोग यहाँ के खुशहाल हो जाते हैं तो इनके घरों में कौन जाएगा, इनको नमस्ते करने कौन जाएगा। इसलिए इनकी नीयत हमेशा यही रही है कि ये लोग खुशहाल ना हो जाए। आज हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर आंदोलन चल रहा है। ये हमारी छोटी मांग है, ये पूरी हो जाएगी, इनको बिजली लगानी भी पड़ेगी। अभी मेरे को बता रहे थे साथी एक्शन से बात हुई, और एक्शन कहता है बिजली मंत्री का दबाव है कि उन ढाणियों में लाइट नहीं देनी है। हम भी देखते हैं बिजली मंत्री की चलती है कि लोगों की चलती है, और आप यकीन मान लेना आपकी ढाणी के अंदर, आपकी ढाणी में 24 घंटे की लाइन भी जाएगी, 24 घंटे बिजली भी जाएगी, और ये बिजली मंत्री देखता रह जाएगा, इसके नाक के नीचे आपके खेतों में आपके ढाणियों में लाइट मिलेगी आपको। ये मालिक नहीं बन गए हमारे, ये मालिक नहीं बन गए हैं, 5 साल के लिए चुन के इनको सेवक बना के वहां पे भेजे हैं, ये हमारे सेवादार हैं। इनको गलत फहमी हो गई है कि हम तो चुन के आ गए हैं, मंत्री बन गए हैं। अरे सिर्फ 5 साल के लिए बने हो, इससे ज्यादा टाइम तुम्हारे पास नहीं है। जनता कुर्सी में बैठाना जानती है तो उतारना भी जानती है। 2 साल तो तुम्हारे निकल गए, 3 साल भी निकल जाएंगे, वक्त बीत जाता है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या बढ़ेगी ये याद रखना। आज ये लोगों को किसी भी, पूरे देश के अंदर जेजेपी बीजेपी की लीडरों को किसी गांव में घुसने नहीं दिया जाता। प्रकाश सिंह बादल के साथ इनका नाता है परिवार का। आप चौटाला गांव के लोग हैं, आपको सब पता है कि एक चीज का, क्योंकि इलाका रह गया, मैं भी इसी गांव में बड़ा हुआ हूं, सब हम जानते हैं एक दूसरे को कि कौन सा चौधरी कितने पानी में और कौन सा क्या है, सब जानते हैं। यहाँ पे कितने जो है वो झूठे ऐसे लोगों को दबाने का, कितने ये कमजोर है, कितने पग पीटने से भागने वाले हैं, ये सारे जानते हैं आप। तो ये जो लोग है, ये इलाका है, इस इलाके के लोगों को मौका मिला पूरे हरियाणा के अंदर इनको राज करने का, और इन लोगों ने क्या किया है, इसकी इनके चौधरी देवीलाल का जो नाम कलंकित करने का काम इन लोगों ने किया है। चौधरी यहाँ के प्रकाश सिंह बादल पंजाब के, इनका पुराना नाता इनके साथ रहा, ये प्रकाश सिंह बादल इन कानूनों के लिए गुणगान गाया करते थे कि भाई कानून बड़े अच्छे हैं। पंजाब के किसानों ने उनका घर घेर लिया और डंडे के जोर के ऊपर प्रकाश सिंह बादल से बीजेपी का 22 साल पुराना नाता तुड़वा दिया। कहा कि या तो किसान चुन लो या कुर्सी चुन लो, और वो किसानों के पार्टी है, किसानों के वोटों से सत्ता में पहुंचते हैं। पूरे राज्य के, पंजाब के लोग सड़कों के ऊपर आ गए, प्रकाश सिंह बादल को इस बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ा, केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा भी देना पड़ा, और उनके जो प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं वो ट्रैक्टर लेके रैलियां निकालने लगे कि कानून बहुत खराब है, जो कानूनों के गीत गाया करते थे। 6 अक्टूबर को पूरे हरियाणा भर से दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला जो सिरसा के अंदर रहते हैं,
उनके घर के आगे पूरे हरियाणा भर से लोग आए थे जिन्होंने इनको वोट दिया था, वहां कुर्सी के ऊपर भेजा था। और सबने ये कहा कि जब प्रकाश सिंह बादल इस बीजेपी का साथ छोड़ सकते हैं, उनका तो 22 साल पुराना नाता था, तुम्हारी तो अभी सगाई भी नहीं हुई है, चंद दिनों का नाता है, तुम क्यों नहीं इनका साथ छोड़ रहे, इनका साथ छोड़ दो इस पार्टी का और किसानों के पक्ष में आ जाओ। और अगर उस दिन ये लोग उस पार्टी का साथ छोड़ देते, डिप्टी सीएम क्या है, हरियाणा प्रदेश की जनता इनको तो सीएम बना देती, दूसरा देवीलाल दुष्यंत चौटाला को मान लेते। लेकिन विपरीत बुद्धि विनाश काले, जब इनके दिन ही उल्टे आ गए हैं तो ये कैसे जो है किसानों के साथ आ सकते थे। आज इनके हालात ये हो गए, 9 महीने से उनके घर के आगे मोर्चा लगा हुआ है। डिप्टी सीएम कोई छोटी चीज नहीं होती है, मंत्री जो बन जाता है कोई छोटी बात नहीं होती है, मंत्री और डिप्टी सीएम और मंत्री बनने वालों के पीछे लाइन लग जाती है लोगों की पर्चियां लेके कि हमारे काम जी करवा दो, सब लोग जाते हैं। लेकिन अब इनके पीछे लाइन तो लगी है लेकिन पर्ची लेकर नहीं, डंडा लेके लाइन लगी है। जहां भी ये लोग जाते हैं लोग डंडा लेके काला झंडा लेके इनके आगे खड़े हो जाते हैं और कहीं पर भी इनको प्रोग्राम नहीं करने दिया जाता। दुष्यंत चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला पिछले 9 महीने से अपने घर के अंदर नजर बंद है, उनके घरों के चारों तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं और भारी भरकम पुलिस उनके घर के आगे लगा रखी है। जैसे कोई बहुत बड़ा अपराधी होता है, उसको जब पुलिस का लगा के उसको घेरा जाता है कि ये अपराधी कोई और अपराध ना कर दे, इस तरीके से भारी पुलिस लगा के उनकी सुरक्षा के अंदर है कि ये जो लोग हैं इनको लोग कुछ कर ना दे। आज 9 महीने से अपने घर के अंदर ये कैद है। अभी 6 तारीख को, जुलाई को 9 महीने हो गए थे यहाँ पे इस मोर्चे को सरसा के अंदर, क्यों देश के अंदर पंजाब के बाद कोई पहला मोर्चा लगा था तो ये सरसा का मोर्चा लगा था और ये पूरे देश का नजर इस मोर्चे के ऊपर है। 6 जुलाई को संयुक्त मोर्चे के सभी लीडर भगत सिंह स्टेडियम पक्का मोर्चा में आए थे और यहाँ जिला भर से, हिसार से, सभी टोलों से बहुत बड़ी संख्या के अंदर वहां पे कट हुआ था और इनको फिर चैलेंज करके गए थे, क्योंकि ये बार बार जो है इस मोर्चे को उखाड़ने में लगे हुए हैं कि घर के आगे धरना लगा हुआ है तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये अपने चमचों को किसान बना के भेजते हैं कि तुम उस मोर्चे पे जाओ और उनके साथ झगड़ा करो और उस मोर्चे को बदनाम करो। तो इनके चमचों ने कसर कोई नहीं छोड़ी है, बहरूपीय बन बन के आते रहे हैं, धरने भी लगाए बराबर, बोले ये धरना यहाँ से उठाओ तब यहाँ से हम अपना धरना उठाएं। हमने कहा लगा रखो भाई, जितने धरने लगेंगे अच्छी बात है, हमने कब मना किया है, लेकिन ये पक्का मोर्चा है किसानों का, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है इस मोर्चे को उखाड़ दे। एडी चोटी का जोर लगा दिया, मोर्चे को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 6 जुलाई को हर गांव से लोगों ने जाके ये दिखा दिया कि ये मोर्चा जनता का है, इस मोर्चे की तरफ कोई भी देखेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दिल्ली से तमाम जो है किसान संगठनों के संयुक्त मोर्चे के सभी लीडर आए थे और ठोक के बात करके गए हैं कि ये मोर्चा, इस मोर्चे को सिर्फ पक्का मोर्चा ही मत समझ लेना, ये मोर्चा देश का मोर्चा है और देश का पहला मोर्चा है। जब तक 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते ये मोर्चा हटने वाला नहीं है यहाँ से। अब ये जो कानून बने हैं, इन कानूनों के बारे में बड़ी बड़ी बात हो जाती है कि कानून रद्द किए जाएं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा है कि देश का जो मजदूर आदमी है, जो दिहाड़ी करता है, वो ये चीज समझ नहीं पाया कि ये कानून क्या है। अब गांव के अंदर चर्चा होती है तो गरीब आदमी है उसको जो बीजेपी वाले हैं या ये जेजेपी वाले हैं, इनके जो चमचे हैं वो जाके लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि ये कानून जो है ये तो किसानों के खिलाफ आए, इन वाली जमीन जाएगी और ये जमीने जाएगी, इसलिए ये लोग लड़ रहे हैं, तुम गरीबों का तो बड़ा फायदा होने वाला है। तो गरीब आदमी ये सोच लेता है कि इस वाली जमीन जाएगी तो ये भी मेरा जैसा हो जाएगा। असल में ये लड़ाई जमीनों की नहीं है। आपको याद होगा यहाँ पर बैठे हैं सारे बुजुर्ग भी कि जब ये यहाँ देश के अंदर एक कानून बनाया गया था तब देश आजाद हुआ, आवश्यक वस्तु अधिनियम के खाने पीने की जो चीजें हैं उन चीजों का कोई भी पैसे वाला आदमी स्टॉक नहीं कर सकता है।
और खाने पीने की चीजों को सस्ती खरीदकर महंगी कोई नहीं बेच सकता, ये कानून बनाया था। खाने पीने की चीजें क्या है? आलू है, प्याज है, टमाटर है, हल्दी, मिर्च, नमक, मसाले, तेल, दालें, चावल, चीनी, कपड़ा भी उसके अंदर आता है। ये सारी चीजें हैं कि ये एक आदमी जो दिहाड़ी करता है, खेती की दिहाड़ी करता है, रेहड़ी लगाता है, छोटी मोटी दुकान करता है, उस आदमी की पहुंच से ये चीजें बाहर ना हो, इसलिए कानून बनाया कि जिसको जितनी जरूरत है उतना ही खरीदो, उसे ज्यादा नहीं खरीद सकते। इन तीन कानूनों में सबसे पहले उन्होंने यही कानून तोड़ा है और छूट दे दी है कि कोई भी आदमी है खाने पीने की चीजों का स्टॉक कर सकता है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। इससे क्या होगा, जो हमारे अनाज है, खाने पीने की चीजें हैं, दालें हैं, जो हर आदमी को रसोई में चाहिए, ये पैसे वाले जो लोग हैं वो खरीद के स्टॉक करेंगे और फिर ये महंगे दाम के ऊपर बेचने का काम करेंगे। जैसे रिलायंस कंपनी ने हिमाचल से सेब खरीदा 4 रुपए किलो के हिसाब से, वहां के सारे व्यापारियों को पीट दिया और 4 रुपए किलो के हिसाब से सेब खरीद कर वही सेब हमें यहाँ पे 250 रुपए किलो मिलता है। हमारा गेहूं है, गेहूं का भाव क्या है, 1975 रुपए है, 20 रुपए किलो हम मान लेते हैं, 2-3 रुपया पिसाई होती है चक्की के ऊपर, तो 22-23 रुपए में 1 किलो आटा तैयार हो जाता है। यही आटा जब हम शोरूम में खरीदने जाते हैं 45 रुपए किलो मिलता है, ये फर्क पड़ जाता है कंपनी के पास जाने से। और ये तमाम चीजें कंपनी के पास चली जाएगी तो आम आदमी को यही आटा जो है वो 45 रुपए नहीं 450 रुपए किलो मिलेगा। और एक कार्ड बना हुआ था, हरा कार्ड, ये बुजुर्ग बैठे हैं याद होगा सबको, एक ही कार्ड होता था देश के अंदर जिसके ऊपर राशन मिलता था, उसमें किसी भी जाति किसी भी धर्म का, जमीन वाला बिना जमीन वाला डिपू पे जाके कोई भी सामान ले सकता था। अधीन होने जा रहा है, आज से पहले जब अंग्रेजों का राज था तब भी यहाँ पे कंपनी राज थी, उसी कंपनी राज के खिलाफ हम लड़े थे, 200 साल कंपनी राज यहाँ पे रहा है, 100 साल का संघर्ष रहा है, लाखों लोगों की कुर्बानियां हुई है, तब जाके हमें कंपनी राज से मुक्ति मिली थी। अब दोबारा से देश में कंपनी राज स्थापित होने जा रहा है, उसी कंपनी राज के खिलाफ ये संघर्ष है। ये संघर्ष किसी व्यक्ति का नहीं है, ये संघर्ष किसी पार्टी का नहीं, ये किसी जाति का नहीं, ये किसी धर्म का नहीं, ये संघर्ष है इस देश को गुलाम होने से बचाने का। आज हमारे पास मौका है देश को बचाने के लिए कुछ करने का। आज हमें इस आंदोलन के अंदर हर आदमी को अपने घर से एक एक व्यक्ति को इस आंदोलन के अंदर जाना चाहिए। टिकरी बॉर्डर के ऊपर जो मोर्चे लगे हैं उन मोर्चों को मजबूत करना चाहिए ताकि इस आंदोलन को हम जीत सके। अगर अब हार जाते हैं तो आने वाले सालों हजारों सालों तक की गुलामियां हमें फिर से झेलनी पड़ेगी। हमें आजाद हुए कोई लंबा समय नहीं हुआ, 70-75 साल की हमें आजादी मिली है, उससे पहले हम गुलाम थे और उस दौरान दोबारा से फिर गुलामी आने जा रही है। हमसे पहले लाखों लोगों ने शहादतें देके, कुर्बानियां देके, अपने जुल्म सहकर हमें ये आजादी दिलाई है। अब दोबारा से देश गुलाम होने जा रहा है, इसलिए इस देश के हर नागरिक का, हर आदमी का, हर व्यक्ति का ये फर्ज बन जाता है कि हम इस आंदोलन के साथ जी जान से लग जाएं और इस आंदोलन को जीत कर ही हम घरों को लौटें। क्योंकि अब हम नहीं जीत पाते हैं तो समय आने वाला जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये जो वाटर वर्क्स बने हैं गांव के अंदर, इन वाटर वर्क्सों से हमारे घरों के अंदर पानी आता है, हमें अभी तक पैसा नहीं देना पड़ा, लेकिन अब ये वाटर वर्क्स कंपनियों को दिए जा रहे हैं और आपके मीटर लगेंगे, बहुत से गांव में लग चुके हैं, उन मीटरों से जैसे बिजली की रीडिंग आती है वैसे रीडिंग आएगी, अब पानी आपको तोल के मिलेगा, मुफ्त में पानी नहीं मिलेगा। और ये जो बिजली घर है, ये बिजली घर सारा का सारा प्राइवेट होने जा रहा है, थोड़ा बहुत हिस्सा इसका बचा है। अब हमारे जो मीटर है दूसरे लगने वाले हैं जिनके अंदर रिचार्ज पहले से करवाना पड़ेगा, जैसे मोबाइल के अंदर रिचार्ज होते हैं वैसे मीटर रिचार्ज करवाने पड़ेंगे, पहले से ही पैसे डलवाने पड़ेंगे। घर के अंदर शाम के समय कोई रिश्तेदार आया, खाना खा रहे हैं, आपका बैलेंस खत्म हो गया, साथ का साथ लाइट बंद हो जाएगी। अब तो हमारा जो मीटर है, बिजली का जो बिल आता है 2 महीने से आता है और हम फसल आने पे 4 महीने से भर देते हैं, पलंटी लगती है, कम से कम लाइट नहीं कटती है। और
और वो जिस तरीके से मीटर वो लग जाएंगे तो खेतों में काम करने वाले किसानों के पास फसल के ऊपर पैसा होता है, वो हर महीने हर दो महीने से बिल नहीं भर पाता है, तो उसका जो मीटर की रीडिंग जो आएगी उसका जो बिल आएगा वो बिल हाथ में नहीं आएगा, सिर्फ जैसे मोबाइल के अंदर रिचार्ज होता है वही सिस्टम ये करने जा रहे हैं, तमाम सिस्टम कंपनी को सौंपने जा रहे हैं। इसके खिलाफ देश भर के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। तो हम आप सब लोगों से, सब साथियों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप देश के अंदर चल रहे इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। और चौटाला गांव वालों से खास तौर के ऊपर हमारी अपील है कि ये गांव बहुत बड़ा है और हरियाणा में नहीं देश भर के अंदर इस गांव की चर्चा है, लोग इस गांव का नाम जानते हैं, चौधरी देवीलाल के नाम से इस गांव की प्रसिद्धि है और इतना बड़ा गांव, इतने बड़े लोग इसके अंदर है। आप अपने गांव का घर जैसे पहले आप लोगों ने बना रखा था, वहां दूध की छबील लगाया करते थे, इस आंदोलन के अंदर पूरे जोर शोर से जाया करते थे और इस आंदोलन को मजबूत किया करते थे। आप लोगों से विनती है कि उसी तरीके से दोबारा से फिर जो है गांव के अंदर कट करके वहां पे चौटाला गांव का घर बनाइए और उसी तरीके से रोड़क और इस आंदोलन को मजबूत करने का आप सब काम करेंगे, यही आप लोगों से आप सब विश्वास करता हूं। दूसरा, यहां के सीआईडी के लोग सुन रहे हैं, हमारे साथी पहले भी बोल के गए थे कि एक घंटे का हमने समय दिया है, भाई किसी अधिकारी को यहां पे बुला लो, हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला रहे हैं, 9 महीने से हमारा आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ चल रहा है और यहां पे धरने पर बैठे लोगों को अकेला मत समझे, पूरे देश भर के किसान संगठन इस आंदोलन के साथ है। अगर यहाँ पर बैठे किसी भी साथी के साथ कोई दुर्व्यवहार या झूठा मुकदमा बनाने की कोशिश की तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ जल्दी से जल्दी जो है अपने किसी अधिकारियों को बुला लो ताकि बातचीत करके इन ढाणियों के अंदर लाइट लग सके, और लाइट तो आपको देनी ही पड़ेगी, आपने हमारे 10 दिन लगवाए हैं, हो सकता है 10 दिन हमें और लगाने पड़ जाए, लेकिन हमें मजबूर मत करना कि इसके अंदर हम गर्मी में बैठे और आप एसी में बैठे हो, फिर ऐसा मत हो जाए कि हम एसी में बैठे और आप गर्मी में बैठे हो, हम वो करना नहीं चाह रहे। इसलिए आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी बात को सुना जाए और इन लोगों की समस्या को हल किया जाए, ये सीआईडी वालों से मैं कहना चाहता हूं, अपने उन अधिकारियों को हमारी बात पहुंचा दे। आप लोग इस गर्मी के अंदर यहां पे आके बैठे इस आंदोलन को 10 दिनों से चला रहे हैं, उसके लिए एक बार फिर आप सबको क्रांतिकारी सलाम है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय संघर्ष, इनकलाब जिंदाबाद।